बड़ी खबर मुंबई से, जहां आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी का सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया है बाबा सिद्दीकी। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी समय इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें बड़ी खबर जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां मुंबई में बाबा सिद्दीकी सुपुर्दे खाक कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये मुंबई से खबर आ रही है। राजकीय सम्मान दिया गया बाबा सिद्दीकी को और डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां बाबा सिद्दीकी सुपुर्द खाक हो गए हैं। राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक हुए हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कल एक घटना के दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसमें उन पर फायरिंग की गई थी और फायरिंग में उनकी मौत हो गई थी। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, एनसीपी के सीनियर नेता बाबा सिद्दीकी जिनके गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, हत्याकांड के दौरान उनकी मौत हो गई। जब उनकी 3 गोली उनके शरीर पर लगी थी, वहीं 2 गोली उनके सीने में और 1 गोली उनके पेट में लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बाबा सिद्दीकी सुपुर्द खाक हो गए हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार भी यहां मौजूद रहे। इसके साथ कई राजनेता इस दौरान मौजूद रहे, जिसमें एनसीपी चीफ अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं जो इस दौरान मौजूद रहे। डिप्टी सीएम अजीत पवार भी यहां मौजूद रहे। आपको बता दें बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बाबा सिद्दीकी को मरीन लाइंस इलाके में बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम विदाई से पहले बड़ा कब्रिस्तान में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। बाबा को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। बाबा सिद्दीकी के अंतिम संस्कार में कई राजनेता भी शामिल हुए, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेता जो भी वहाँ मौजूद रहे। आपको बता दें एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा इलाके में खैरनगर में उनके विधायक पुत्र जीशान सिद्दीकी के कार्यालय से बाहर शनिवार रात को 3 लोगों ने गोली मार दी थी। उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद कल रात उन्हें राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग उनको अंतिम विदाई देने जुटे हुए हैं। ये बड़ा कब्रिस्तान इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर उनको सुपुर्दे खाक किया गया है। इस दौरान कई बड़े नेता राजनेता भी यहां पर मौजूद रहे। हाई सिक्योरिटी के बीच ये अंतिम विदाई उन्हें दी गई है। आपको बता दें बड़े कब्रिस्तान के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को सुपुर्द खाक किया गया है। इस दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद रहे।